हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑल इन वन होम एक्सपर्ट में। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी डिश दाल बाटी चूरमा, जो खाने में इतना टेस्टी होता है जिसे खाकर पेट तो भरता है पर मन नहीं। चलिए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है और उसमें 1/2 कटोरी सूजी डाली है। अब हम इसमें 2 पिंच सोडा, 1/2 चम्मच नमक और अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसके साथ इसमें 1/2 कटोरी घी भी ऐड करूंगी और फिर इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से हम पूरे घी को इस पूरे आटे में अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमारा घी अच्छे से पूरी तरह मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और रोटी से थोड़ा टाइट आटा माड़कर तैयार करेंगे। इस तरीके से हम अपना आटा माड़ेंगे। आटा को हमें टाइट ही मारना है, हमें आटा पतला नहीं मारना है। ये हमारा आटा मर चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। हमारा आटा जब तक सेट होता है, चलिए तब तक हम अपनी दाल तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 तरह की दाल ली है दाल बनाने के लिए। मूंग की धुली हुई दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और राहर की दाल। चलिए इन सभी दालों को हम धोकर प्रेशर कुकर में उबाल लेते हैं। मैंने दालों को धो लिया है। चलिए तो अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी और यहाँ मैं 1 चम्मच घी भी डाल रही हूँ ताकि हमारी दाल अच्छे से पक जाए। चलिए तो हम कुकर को लगा लेते हैं और इसमें 3 सीटी आने तक वेट करेंगे। हमारी सीटी लग चुकी है। जब तक हमारी दाल ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी बाटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं बाटी आज ओवन में बना रही हूँ। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है और यहाँ मेरा आटा भी सेट हो चुका है। चलिए तो अब हम बाटी बनाकर तैयार करते हैं। अब मैं अपने हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी। इस मिक्सचर को हम इस तरीके से गोल गोल कर एक राउंड शेप देने के बाद चपटा पेड़ा टाइप बना लेंगे। इस तरीके से हम देखिए पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरीके से मैं सारी बाटी बनाकर तैयार कर लूंगी। देखिए मेरी सारी बाटी बनकर तैयार है और हमारा ओवन भी गर्म हो चुका है। चलिए तो अब हम बाटी को पकने के लिए रख देते हैं। इस तरीके से हम अपनी सारी बाटी को ओवन में फैलाकर थोड़ी दूरी पर रख देंगे। चलिए तो अब हम इसको ढक देते हैं। बाटी को हम पकने देंगे और कुछ समय बाद हम बाटी को पलटेंगे। जब तक हमारी बाटी एक तरफ से पक रही है तब तक हम दाल फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को घी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो दाल को तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घी में फ्राई कर रही हूँ। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और इसके चटकने तक का वेट करेंगे। अब 2 से 3 तेज पत्ते, 1 पिंच हींग, 1 बड़ी इलायची मैंने खोलकर ली है
आप चाहें तो सीधी ही डाल सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, इसलिए आप भी इलायची को खोलकर ही डालें। दो दालचीनी के टुकड़े, इन सभी को चला लेंगे। अब हम बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे इसमें। बारीक कटी हुई प्याज, और ये अदरक लहसुन पेस्ट। अब हम इन सभी को अच्छे से चला लेंगे। चलिए तो जब तक हमारी प्याज हो रही है, हम अपनी बाटी को चेक कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ से हमारी बाटी अच्छे से सिक चुकी है, तो अब हम इन सभी बाटियों को पलट लेंगे। इस तरीके से हम बाटियों को पलटेंगे। अब हम इस तरफ से भी इन्हें सिकने के लिए छोड़ देंगे। बाटी को सिकने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। चलिए तो इन्हें ढक देते हैं, और देखिए तब तक हमारी प्याज का भी कलर चेंज हो चुका है। चलिए तो अब हम इसमें टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर को भी हम पकने देंगे। टमाटर को पकाते समय ही हम इनमें सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी हल्दी ले रही हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, और ये थोड़ा सा नमक। आप याद रखें, हम दाल को पकाते समय नमक डाल चुके थे, इसलिए आप यहाँ थोड़ा ही नमक ऐड करें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि हमारे मसाले कढ़ाई में लगे नहीं और जले नहीं। 5 से 7 मिनट अब हम इन मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। चलिए तो अब हम इसमें उबली हुई दाल डाल लेते हैं। देखिए हमारी दाल का कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अब हम अपनी दाल को थोड़ी देर और पकने देंगे। देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। चलिए तो हम गैस को बंद कर देते हैं। चलिए तो अब हम अपनी बाटी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी बाटी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। चलिए तो अब हम बाटियों को निकाल लेते हैं। ये मैंने बाटी निकाल ली है। चलिए तो अब हम इसका चूरमा बनाते हैं। चूरमा बनाने के लिए हम इन सारी बाटियों को इस तरीके से तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। हम इनको ठंडा होने के बाद ही मिक्सर में चलाएंगे, नहीं तो हमारा मिक्सर खराब हो जाएगा। हमारी बाटी ठंडी हो चुकी है। चलो तो हम इसको मिक्सर में चला लेते हैं। सारी बाटी मैंने इसमें डाल दी है। चलिए तो हम चलाकर एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसे पीसना। यहाँ मैंने घी डालकर कढ़ाई को गर्म होने रख दिया था। देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और इन्हें थोड़ा तलेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसमें अपनी पिसी हुई बाटी को डाल देंगे। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरह सेकते रहना है। देखिए हमारा चूरमा रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। गरम बाटी में आप चीनी ना डालें, नहीं तो हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। देखिए हमारा चूरमा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। मैंने मिक्सर में अपनी चीनी को चला लिया था, और उसमें 2 से 3 इलायची भी ऐड कर दी थी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
हमारा चूरमा रेडी है। चलिए तो अब हम अपनी दाल बाटी चूरमा को सर्व कर लेते हैं। बाटियों को हम इस तरीके से घी में डुबा डुबा कर सर्व करेंगे। रेसिपी में घी का अलग ही रोल है, मानो घी के बिना ये रेसिपी अधूरी सी लगती है। देखिए तैयार है हमारी दाल बाटी चूरमा बिल्कुल गरम गरम। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिल सकें। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।